शिक्षा मित्र से जुड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और साथ में दबाइए इस बेल आइकन को भी, और हमारी वेबसाइट पर विजिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे लिंक पर क्लिक कीजिए और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट को, जिस पर मिलेंगे आपको सारी जानकारी लिखित में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा में समाचार में फिर से एक बार। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर, शिक्षा मित्रों के लिए लखनऊ से आई है बड़ी खबर। आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय भेजने में सहमति दिखा दी है। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मित्रों को एक तोहफा दिया है और कहा है कि जल्द ही उनको उनके मूल विद्यालय पर भेज दिया जाएगा। हो सकता है कि कल इसका शासनादेश जारी हो जाए, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी ने शाम को इसकी सहमति दे दी है। शिक्षा मित्र पिछले कई दिनों से सरकार से उनके मूल विद्यालय भेजने की प्रार्थना कर रहे थे, और दो संगठन इसमें से आपके उत्तर प्रदेश के आदर्श समाज शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र साई जी और दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव जी ने, दोनों ने ही सीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी और मांग में भी रखा था ये कि शिक्षा मित्रों को विकल्प के साथ मूल विद्यालय वापस भेज दिया जाए। तो जी हाँ, मुद्दा था कि जब शिक्षा मित्रों को पद वापसी हो, मूल विद्यालय पर उन्हें भेजा जाए तो विकल्प उनसे पूछा जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने विकल्प के साथ ही शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय भेजने के लिए सहमति दिखा दी है। शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय जाने के लिए महिला शिक्षा मित्रों को विशेषकर लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जब समायोजन होने पर नियुक्ति प्राप्त की थी तो उन्होंने ऐसे ही विद्यालय चुने थे जहां उनका ससुराल होता है, या फिर अपनी पति जहां पर नौकरी कर रहे हैं वहां आसपास के उन्होंने विद्यालय का चुनाव किया था। अब जब मूल विद्यालय वापसी का आदेश आता है तो ऐसे महिला शिक्षा मित्रों को काफ़ी परेशानी हो जाती अगर उन्हें विकल्प नहीं दिया जा सकता। अब उनको इस विकल्प के साथ फॉर्म भरवाया जाएगा कि आप अपने वर्तमान विद्यालय में रहना चाहती हैं या अपने मूल विद्यालय में जाना चाहती हैं। तो ये ऐसे महिला शिक्षा मित्रों के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा कि उन्हें इसका विकल्प मिलेगा कि वो वर्तमान विद्यालय पर पढ़ाना चाहती हैं या मूल विद्यालय पढ़ाना चाहती हैं। शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय भेजते हुए अगर वहाँ की छात्र संख्या और शिक्षक का अनुपात में काफ़ी अंतर पाया जाता है तो वहाँ पर कार्यरत सहायक अध्यापक को वहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाएगा और शिक्षा मित्रों को उनके ही मूल विद्यालय में पढ़ाना होगा। ये आदेश मुख्यमंत्री जी कल दे सकते हैं, और उनका कहना है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि वहाँ पर शिक्षा मित्र दो से ज़्यादा होते हैं तो इसका संबंधित अधिकार डीएम साहब को होगा कि वो किस विद्यालय में नियुक्ति पा सकता है। तो देखते हैं आगे कि शासनादेश में क्या स्पष्टीकरण या क्या निर्देश मिलते हैं शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापस जाने के लिए। लेकिन शिक्षा मित्र फिलहाल इसी विचार विमर्श में है कि शिक्षा मित्रों के लिए तोहफा है या हो सकता है कि कोई चाल है शिक्षा मित्रों के लिए, हो सकता है कि नुकसान हो उनका मूल विद्यालय में जाना। इस बात पर बात चल रहा है। कई शिक्षा मित्रों का मानना है कि मूल विद्यालय वापस लौटना शिक्षा मित्रों की हार हो सकती है। हो सकता है कि शिक्षा मित्रों की स्वीकृति से जब वो लिखेंगे कि मुझे शिक्षा मित्र मूल पद पर मेरे मूल विद्यालय भेज दिया जाए तो हो सकता है कि उनका समायोजन का सहायक अध्यापक का पद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मानना यही है कि जब तक वो समायोजित विद्यालय में मौजूद हैं, वहाँ पढ़ा रहे हैं, वो सहायक अध्यापक के पद पर बहाल हो सकते हैं, या पूर्ण रूप से बहाल नहीं होने का मतलब ये भी हो सकता है कि उन्हें अब ग्रेड पैराटीशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि अब इस मूल विद्यालय वापसी के लौटने के आदेश के बाद लखनऊ में उमा देवी जी जो धरना कर रही हैं, हो सकता है उसमें जो मांग है 38,878 रुपये मानदेय की, वो भी शायद प्रभावित हो जाए। कह नहीं सकते हैं कि मूल विद्यालय पर लौटने के बाद शिक्षा मित्र को इतना मानदेय मिल पाएगा। वैसे तो अपग्रेड पैराटीचर का ये वेतनमान हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार शिक्षा मित्र को मिलेगा ही, लेकिन देखते हैं कि इस पर आदेश का क्या न्यायालय में कोई असर तो नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि पिछली कई बार भी सरकार ने ऐसे आदेश करने की कोशिश की थी जब शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय भेजने के लिए कसायस कसी गई थी, लेकिन बीटीसी अभ्यर्थियों की बार बार ये मैसेज या पोस्ट आती थी कि अगर शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय पर मूल पद पर भेजा जाता है तो हम कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि शिक्षा मित्र वहाँ से रिजाइन देकर समायोजित हुए थे और जब वो उस पद पर वापस लौटेंगे तो उन्हें पुनः विज्ञप्ति निकालनी होगी और
वही एक समान पद के लिए समान अवसर का जो कानून अधिकार है उसके लिए वो कोर्ट चले जाएंगे। तो दोस्तों समझना यही है कि मूल विद्यालय वापसी का ये आदेश शिक्षा मित्रों के लिए वरदान साबित होगा या कोई अभिशाप, इस पर विचार विमर्श कीजिए और सोच विचार के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि शिक्षा मित्रों का मानना है कि ये निश्चित तौर पर एक गलत आदेश आया है शिक्षा मित्रों के लिए। लेकिन ऐसे शिक्षा मित्र जो डेली विद्यालय 100 से 150 किलोमीटर जाते थे उनके लिए ये वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि 10,000 रुपये मानते तो उनके आवागमन में ही खर्च हो जाते थे, ऊपर से मानसिक तनाव, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक तंगी, सभी समस्याओं से वो अवगत हो रहे थे। अब वो इससे निदान पा सकेंगे, क्योंकि पास के ही गांव में या अपने ही गांव में जब वो शिक्षा कार्य के लिए जाएंगे तो उनका आने जाने का वहन बचेगा, आर्थिक मजबूती मिलेगी परिवार को, और जो रास्ते में सड़क हादसे होते थे शिक्षा मित्रों को जो अब साथ में चल रहे थे वो भी बच जाएंगे। हो सकता है कि अब उनको जो सदमे से जो उनकी मौतें हो रही थी उसमें भी थोड़ी गिरावट आ जाए, क्योंकि शिक्षा मित्र निश्चित तौर पर आर्थिक तंगी की वजह से ही असमय वीरगति को प्राप्त हो रहा था। तो हो सकता है कि इस मूल विद्यालय वापसी से उनकी पारिवारिक और आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर जाए। वहीं दूसरी ओर शिक्षा मित्र ये भी कहते हैं कि इस आदेश से एक लाभ ये भी है कि अब शिक्षा मित्रों को टेट की परीक्षा की तैयारी के लिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी समय मिल सकेगा, क्योंकि दूर दराज के स्कूलों में जाने के कारण या वहाँ पर कमरा लेके रहने के कारण वो अपने परिवार से अपने अलग रहने के कारण पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते थे या पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पाते थे। अब उनको बेहतर समय होगा, समान समय को वो इस्तेमाल कर सकेंगे किसी न किसी कार्य में और परीक्षा की तैयारी वो बेहतर तरीके से कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस मूल विद्यालय वापसी की कुछ नेगेटिव सोच या कह लीजिए कि नेगेटिव तथ्यों को भी सामने रखा गया है। उनका कहना है कि अगर शिक्षा मित्र मूल विद्यालय वापस लौटते हैं तो उनका समायोजन होना बहाल होना मुश्किल ही हो जाएगा। समायोजन बहाल से मतलब मूल सहायक अध्यापक पद पर लौटना नहीं है, बल्कि उन मांगों को लेके है जो शिक्षा मित्र धरना कर रहे हैं। तो देखना यही है साथियों कि आखिरकार इस आदेश से क्या क्या लाभ हो सकता है और इस आदेश से क्या क्या नुकसान हो सकता है शिक्षा मित्रों को, ये आपको हमें बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। शिक्षा मित्र की मूल विद्यालय का वापसी का जो आदेश है वो कल गुरुवार को शायद आ सकता है, और इस आदेश को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौखिक तौर पर सार्वजनिक कर ही दिया है कि शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय में विकल्प के साथ भेज दिया जाएगा। दोस्तों इस आदेश को लेकर शिक्षा मित्रों में काफ़ी उछल पड़ रही और काफ़ी कुछ लोग खुश भी रहे, कुछ परेशान भी रहे, लेकिन बात अब आती है उमा देवी जी के धरने की, जो उन्होंने 25 तारीख को सामूहिक मुंडन का प्रोग्राम रखा है और सामूहिक मुंडन करवाएंगी और हो सकता है 5 तारीख को लखनऊ में सड़क पर आंदोलन भी करें। तो वो सारे आंदोलन पर इस आदेश का क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या शिक्षा मित्र अब इसी मांग के साथ बेहतर खुश रहेगा और धरने में प्रतिभाग नहीं करेगा कि उसे पता है कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि शिक्षा मित्रों की शिक्षा मित्र संगठन से ये शिकायत है कि उन्हें मूल विद्यालय से अधिक मानदेय वृद्धि की मांग सरकार से मनवा लेनी चाहिए थी, मानदेय वृद्धि हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब लगता है कि मूल विद्यालय भेजने के बाद सरकार मानदेय वृद्धि पर विचार नहीं करेगी, क्योंकि वो यही कहेगी कि अब हमने शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय भेज दिया है, अब उन्हें आर्थिक परेशानी ज़्यादा नहीं होगी, तो उन्हें उनके ही विद्यालय में उनके ही गांव में 10,000 रुपये मानदेय के तौर पर मिलना पर्याप्त है। तो ये एक बहुत बड़ा बयान हो सकता है सरकार का भविष्य में सभी शिक्षा मित्रों के सामने कहने के लिए कि वो अब आपका मानदेय वृद्धि मुश्किल से ही करेगी। लेकिन देखते हैं, शिक्षा मित्र हार मानने वालों में से नहीं है, वो लगातार फिर भी धरना करते रहेंगे, अपनी मांगों को मनवाते रहेंगे, लेकिन ये मूल विद्यालय वापसी का तो मात्र एक उन शिक्षा मित्रों के लिए बहुत ही लाभदायक और वरदान साबित है जो कि काफ़ी दूरी पर अपने घर से जॉब कर रहे थे। वो कोर्ट में दलील देंगे कि शिक्षा मित्र पद से रिजाइन देने के बाद वो पुनः इस पद पर कैसे आ सकते हैं, अगर आना है तो उन्हें समान अवसर देना चाहिए और विज्ञप्ति निकालनी चाहिए, फिर से लिस्ट बनानी चाहिए और शिक्षा मित्रों का चयन होना चाहिए। तो ये सब BTC अभ्यर्थियों की अटकलें हैं, उनकी तर्क हैं, चाहे बहुत आधार नहीं है इन तर्कों का कोई भी, लेकिन फिर भी कोर्ट में किसी भी चीज़ को फंसाने में वो माहिर हैं और शिक्षा मित्रों के प्रति कोर्ट इस समय कितनी गंभीर है आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं। कोई भी फैसला शिक्षा मित्रों के लिए कोर्ट से अच्छा आ ही नहीं रहा है, तो
ममरिस में दुआ करते हैं कि शिक्षा मित्र को कोर्ट से कोई समस्या ना उत्पन्न हो और शिक्षा मित्र के मूल विद्यालय पर लौटने के बाद कोई भी कोर्ट अड़चन नहीं आए। हम कुछ नहीं कह सकते हैं संबंध में क्योंकि सब मामले कोर्ट में चल रहे हैं, सब सरकार के विचाराधीन है। जल्द ही आपको इसके संबंध में सरकार कोई ना कोई निर्णय ले देगी, लेकिन फिलहाल समय यह है कि सरकार के इस कार्य की सराहना की जाए और ये बताया जाए कि ये कार्य अच्छा है या बुरा है, सरकार के आदेश से शिक्षा मित्र के लिए अच्छा है बुरा है। आप नीचे कमेंट करके बताइए और बताइए कि जितेंद्र शाही जी का और अनिल कुमार यादव जी का यह प्रयास शिक्षा मित्रों के लिए सफल रहा है, वरदान साबित रहा है या कोई और समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी के साथ मैं आज के समाचार यहीं ख़त्म करता हूं। मैं गोपाल सिंह आपका साथी, नमस्कार।